राम जी, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज अंशु की है छुट्टी, तो अंशु अभी तक सो रहा है, लेकिन इसको अभी उठाना है क्योंकि हमें जाना है जिम। तो इसको साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों जिम जाते हैं। तो उठाते हैं अभी अंशु को। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। उठ जाओ, जिम चलोगे आज तो मेरे नहीं साथ? नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि अब मुझे इतने दिनों के जिम जा जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे अकेले अकेले क्या करोगे? अकेले रह चुका, आज भी रह लूंगा। नहीं, साथ तो चलना पड़ेगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे फिर अपन। आपको पढ़ाई करनी है ना, कल आपको एग्जाम है कल, ठीक है? जल्दी से उठो। हेलो गाइस, अभी मम्मी जिम जाने के लिए तैयार हो रही है। देखो, शूज भी पहन रही है। मम्मी शूज तो पहनने पड़ते हैं। तो अभी जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हम। आज तो अंजू भी तैयार है, जिम जाएगा, वह सबको परेशान करता, घूमेगा, दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो वहां पे इसकी एक्टिंग बाजी। हंसू स्कूटी पे कपड़ा मार रहा है, हम स्कूटी पे जाएंगे, रमन गए बाइक पे। चले बेटा, रुक जाए। वर्कआउट कर लिया है, अभी नीचे आए हैं। ये देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, स्कूटी की चाबी स्कूटी में छोड़ के चली गई ऊपर एक्सरसाइज करने। हंसू चाबी है तो सही, मैं तो डर गई थी। अंकी बोल रही थे ये वाला खोल, जल्दी करना। अब जाओ, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हैं? दोस्त को बुला के ऊपर पतंग उड़ाऊंगा। क्या करेगा? दोस्त को बुला के ऊपर पतंग उड़ाऊंगा। ठीक है जी। भी जस्ट जिम से घर पे आई हूँ क्योंकि सारा काम पड़ा है, अंशु की छुट्टी थी तो लेट उठे, नाश्ता करके जिम के लिए निकल गए। सारा काम भी क्यों यू पड़ा है, और रमन थोड़ी देर में आएंगे। मैं जल्दी आ गई क्योंकि आज बनाना है सरसों का साग, तो इसमें टाइम लगेगा इसलिए थोड़ी जल्दी आ गई। और अंशु भी साथ था इसलिए वो थोड़ा परेशान कर रहा था। तो अब जल्दी से रमन आए से पहले थोड़ा बहुत काम खत्म कर लेते हैं, फिर खाने की तैयारी करेंगे। भाई सरसों इसका साग बनाएगा, मैंने ऐसा लाग रहा है कि ये उबड़ कर बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, पर देखते हैं जितनी भी बनती है। चाहिए बता, मैंने कुछ नहीं चाहिए, ना बता बता, मैं नहीं चाहिए ना बता। अब हंस क्यों रहा है? मांग रहा था ना 1 रुपया, 1 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दो। नहीं है मेरे पास तो सारे दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चाहिए। अंशु घर पे कितनी चीज रखी है, फ्रूट रखे है, हाँ, खा ले। और क्या रखे? और क्या रखा है? और मैं हूँ और क्या है, तो बस फ्रूट ही है। फिर फ्रूट खाओ, तो फ्रूट तो खा लिया मैंने बस। तो अब दुकान की चीज क्या करेगा? खा लेगा, खा लेगा। तू तो बता नहीं क्या क्या खा लेगा, पढ़ाई कर ले। नहीं करूँ पढ़ाई के नाम पे, तो बस उबड़ के तो ये तो बिल्कुल थोड़ी सी होगी और बन के तो बिल्कुल ही 1 कटोरी सब्जी हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मैं से क्यों पूछ रहा? तो किससे पूछूं? किसी से मत पूछो। तो किसी से तो पूछना पड़ेगा। मैं से क्यों पूछ रहा? मेरी बात नहीं मान रहे तो? क्या बात नहीं मानी? मैं बोल रहा हूँ माने नहीं रहे। क्या बोल रहा है तू? आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता, आप अपना काम कर लो। काम ही कर रही हूँ तो, पैसे चाहिए तेरे को तो बात बात पे पैसे दे दे या फोन दे दो, बस पैसे दे दो फोन दे दो, मुंह मत बना। सारा काम करते रहते हो। अरे क्या काम कर दिया तूने? झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बर्तन साफ किए, मैंने सुबह वीडियो खींची। अच्छा बहुत बड़ा काम कर दिया तूने तो। माचिस लाया था, माचिस ला के दी। और क्या कर दिया भाई? मेरे को तो तूने राजगद्दी दे रखी है, है ना, तूने और तेरे पापा ने।
सरसों की सलाद रखनी, देखो एक ही मूली रखी है, एक ही चुकंदर का पीस रखो, बस इतना ही खाएगा। खाने में आज सरसों की सब्जी और ये सलाद है और दही खाएंगे, तो दही और दूध खाएंगे। अब मैं खा लेती हूँ अपने खाना, फिर करते हैं कंटिन्यू बाकी का काम। जांच के लिए एसआई यांशु की मैं पढ़ाई करवा रही हूँ और ये अपने मस्त खेल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। अरे क्या, अरे जब काम में याद ही नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, तो पढ़ाई क्या करूँगा बेटा, पढ़ाई करोगे जब ही तो लिखोगे। लिखूंगा कैसे, इसकी वर्कशीट करवानी है। ये तो कर लेता है और ये भी कर लेता है, दिमाग बहुत लगाता है, बस याद करने में नहीं लगाता दिमाग, बाकी वैसे और कामों में बहुत दिमाग लगा लेगा। ये भी कर लेगा, इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसका लेट एडमिशन हुआ है ना, अभी 2 महीने पहले ही हुआ है, तो कुछ चीज़ें आती है कुछ नहीं आती, तो थोड़ा बहुत सिखाते हैं इसको। क्यों रोंदू, पढ़ाई के नाम पे रोता रहेगा रोता रहेगा। ये क्या था? तो आज शाम को खाने में हमारी बन रही है खिचड़ी। अंशु बेटा सॉक्स तो पहनो, बिना सॉक्स के घूम रहे ठंडे में, खिचड़ी बन रही है। तो आज के व्लॉग में इतना है क्योंकि आप सबको पता है कि आज जयपुर बंद है क्योंकि श्री सुखदेव सिंह बोगा मेड़ी जो है हमारी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका मर्डर हुआ है, आप सबको पता ही होगा, न्यूज देखी होगी, उस वजह से जो दंगे फसाद हो रहे हैं, तो जयपुर बंद है, कल देखेंगे कैसे क्या होता है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।